आप समझ गए होंगे कि आज हम गजल मास्टर श्री जगजीत सिंह जी, पंडित श्री जगजीत सिंह जी के बारे में आलोचना करेंगे, उनको लेकर उनकी कुछ बातें, उनकी कुछ गजलें लेकर हम आज आए हैं। तो उनके बारे में तो सूरज को चांद दिखाने के बराबर है। अब क्या आलोचनाएं होंगी, कैसे कैसे हम अपने पॉडकास्ट में उनके बारे में बोलते चले जाएंगे, आगे आगे आप सुनेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, आप बताइए। अच्छा, गाने से पहले दो बात करना चाहता हूँ। एक है कि जैसे आपने नाम लिया है जगजीत सिंह जी, वो गजल सम्राट है हिंदुस्तान में, क्योंकि जब गजल का कोई भी नाम आता है तो पाकिस्तान के मशहूर गजलिया मेहदी हसन साहब, गुलाम अली जी के नाम आते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान में गजल का कोई बात आता है तो जगजीत सिंह जी, दिस वॉज एन आर्ट, मुझे जो लगता है जो 40s 50s में इट वॉज वेरी पॉपुलर तलत महमूद साहब ज़माने में, लेकिन इट लॉस्ट इट्स इंटर कलर, तो लेट 70s अर्ली 80s में इसको रिवाइव किया गया। तो रिवाइव करने में जिसका सबसे बड़ा नाम है वो है जगजीत सिंह जी। और पॉडकास्ट में रूमी जी आपको याद है वेरी फर्स्ट डे वी एज म्यूजिक लवर्स हम थोड़ा बहुत कहानी भी बयां कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजर्स। तो हम जब नाम लेते हैं जगजीत सिंह साहब के, तो जगजीत सिंह साहब इज नॉट ओनली नोन एज अ गजल सिंगर, एज अ ब्रिलियंट गजल सिंगर फ्रॉम द बेस्ट इन इंडिया, बट ऑल्सो एज अ ग्रैंड कंपोजर। ज़्यादातर जो गाने हैं गजल सम्राट के, वो सारे गाने ही हैज सेल्फ कंपोज। तो आज एक एक गाना लेके आ रहे हैं हम 1979 में, ये गाना ही कंपोज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसके साथ जगजीत सिंह साहब के साथ जो है चित्रा सिंह जी, उनकी बीवी, दोनों ही गजल को मशहूर किया है एक साथ। तो ये गाने का जो एल्बम था वो था कम अलाइव, दैट वाज द एल्बम 1979। और इसका जो शब्द जो लिखे हैं साहिर होशियारपुरी, ये हम गाते वक्त रूमी जी एक्सप्लेन कर सकती है कि जगजीत सिंह के ज़्यादातर जो गाने हैं वो सिर्फ गज़ल ही नहीं, वो सिर्फ नज़म में वो लिमिटेड नहीं है, उसको हम कहते हैं ज़्यादातर वो फिलोसॉफी हो गया है। मतलब गाने का जो अल्फाज है, अल्फाज में एक इनहेरेंट एक मीनिंग है जो एक फिलोसॉफी है, एक दर्शन है। तो गाना से हम विल एक्सप्लेन। खलिश का शब्द जो लाया है इसमें, खलिश का मतलब है दिल में दर्द होता है, वो ना आई तो खलिश सी और जवान, लेकिन वो जब आ जाती है तो वो और जवान होती है। और नेक्स्ट पैराग्राफ वो भी आप करके सुनाइए। रुको शब्द दे दिल को जो उन्होंने, रुको
में ये तन